गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास नाइन्थ बुक बिहाइव के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट वन। इसमें जो भी क्वेश्चंस और आंसर बताए गए हैं वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को परीक्षा में जाने के पहले अवश्य ही देख लेना। क्वेश्चन नंबर वन है, How old are Margie and Tommy? Margie is 11 years old and Tommy is 13 years old. Margie 11 वर्ष की है और Tommy 13 वर्ष का है। Second question, How did Margie write in her diary? What did Margie write in her diary? Margie ने अपनी डायरी में क्या लिखा? Margie ने लिखा, Today, आज Tommy found a real book. आज Tommy को एक वास्तविक किताब मिली। What did Margie write in her diary? Margie wrote, Today, Tommy found a real book. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज? पुस्तक के बारे में कौन सी बातें उसने अजीब पाई? द पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली एंड द वर्ड्स स्टूड स्टिल। पुस्तक के पेज पीले थे और क्रिंकली थे, जल्दी ही तोड़ जाने वाले थे और शब्द सदैव एक से रहते थे। What things about the book did she find strange? The pages are yellow and crinkly and the words stood still. Question number four. What do you think a telebook is? Telebook के बारे में आप क्या जानते हो? A telebook is like a mobile page and has a screen. एक टेलीबुक एक मोबाइल पेज के समान है और उसकी एक स्क्रीन भी होती है। अ टेलीबुक इज लाइक अ मोबाइल पेज एंड हैज अ स्क्रीन। क्वेश्चन फाइव, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट सीखे? मार्गी लर्नड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्गी ने ज्योग्राफी भूगोल और गणित सीखी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और टॉमी ने इतिहास और गणित सीखी। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट काइंड्स ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के शिक्षक थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। क्वेश्चन सेवन, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मार्गी ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। मार्गी ज्योग्राफी में बुरा कर रही थी बिकॉज क्योंकि इट्स ज्योग्राफी सेक्शन वाज गियर्ड अप, क्योंकि उसका ज्योग्राफी का जो सेक्शन था वो आगे बढ़ गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड हर बाय सेटिंग द टीचर राइट। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद शिक्षक को ठीक सेट करके की। व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज इट्स ज्योग्राफी सेक्शन वाज गियर्ड अप। द काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड हर बाय सेटिंग द टीचर अगेन। क्वेश्चन एट, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी स्कूलों से घृणा क्यों करती थी? व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन? वह यह क्यों सोचती थी कि पुराने स्कूलों में मजाक होता था? मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज मार्गी स्कूलों से घृणा करती थी क्योंकि इट हैड नो फन।
क्योंकि उनमें कोई मजाक नहीं होता था। द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, पुराने स्कूलों में मजाक होता था, बिकॉज ऑल किड्स स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ खेलते थे और पढ़ते थे। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट हैड नो फन, द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज ऑल किड्स स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। क्वेश्चन 9, हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। एवेलिन कितने वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी म्यूजिक के लिए गई। एवेलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड, एवेलिन 17 वर्ष की थी। व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक, जब वह रॉयल एकेडमी म्यूजिक गई। हाउ ओल्ड वाज एवेलिन व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। एवेलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, उसका बहरापन पहली बार कब ध्यान में दिया गया। व्हेन वाज इट कन्फर्म, उसका वह कब कन्फर्म हो गया। हर डीपनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन 8 ईयर्स ओल्ड, उसका बहरापन उसकी 8 वर्ष की उम्र में ध्यान दिया गया। एंड इट वाज कन्फर्म्ड इन 11 ईयर्स ओल्ड, और वह 11 वर्ष की उम्र में कन्फर्म हो गया। व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, हर डीपनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड इन 8 ईयर्स ओल्ड एंड इट वाज कन्फर्म्ड इन 11 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन 11, Who helped her to continue with music? उसकी म्यूजिक को जारी रखने में किसने मदद की। What did he do and say? उसने क्या किया और कहा। James Blades helped her to continue with music. James Blades ने उसकी म्यूजिक को आगे जारी रखने में मदद की। He said, उसने कहा। God may have taken her hearing. भगवान ने उससे उसकी सुनने की क्षमता ले ली है। बट हैज गिवन बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु उसे वापस कुछ विलक्षण दे दिया है। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। जेम्स ब्लेड्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ही सेड गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट हैज गिवन बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्वेश्चन 12, हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक, How does Evelyn hear music? Evelyn hears music by sensing music notes in different parts of her body. Evelyn अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से म्यूजिक नोट्स को अनुभव करके म्यूजिक सीखती है, म्यूजिक को सुनती है। How does Evelyn hear music? Evelyn hears music by sensing music notes in different parts of her body. Next question number 13. When did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर कब प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसमें अनप्लीजेंट ना खुश ना करने वाली उसकी ध्वनि थी। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिकॉज इट हैज अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, उसकी जो आवाज़ थी वो ठीक नहीं थी, खुश सुख देने वाली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई पुंगी से भिन्न कैसे है। पुंगी हैज अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, वाइल शहनाई हैज अ मेलोडियस साउंड। पुंगी की जो साउंड है वो श्रिल और अनप्लीजेंट है, जबकि शहनाई के जो साउंड है वह मेलोडियस साउंड है। पुंगी की आवाज़ अनप्लीजेंट, श्रिल अनप्लीजेंट है, और जो शहनाई की आवाज़ है वो मेलोडियस आवाज़ है। नेक्स्ट 15, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक।
बिस्मिल्ला खान गॉट हिज बिग ब्रेक विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। बिस्मिल्ला खान ने अपना पहला ब्रेक लिया ऑल इंडिया रेडियो के 1938 में लखनऊ में उद्घाटन होने के साथ ही। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्ला खान गॉट हिज बिग ब्रेक विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड बिस्मिल्ला खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। बिस्मिल्ला खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ बजाई। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, यह घटना ऐतिहासिक क्या थी। बिस्मिल्ला खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। बिस्मिल्ला खान ने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई। द इवेंट वाज हिस्टोरिक, यह घटना ऐतिहासिक थी बिकॉज क्योंकि। ही वाज द फर्स्ट इंडियन INDIAN भी लिखना था टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, क्योंकि वह पहला भारतीय था जिसने शहनाई के द्वारा देश का अभिवादन किया। वेयर डिड बिस्मिल्ला खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, बिस्मिल्ला खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट। द इवेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इंडिया जहाँ लिखा ही वाज द फर्स्ट इंडिया, यहाँ इंडियन है, यहाँ पर इंडियन करना था एन और INDIAN, इसको सुधार देना। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्ला खान ने USA में शहनाई स्कूल को शुरू करने से इनकार क्यों कर दिया। बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA बिकॉज। बिस्मिल्ला खान ने USA में शहनाई स्कूल को शुरू करने में इनकार कर दिया क्योंकि। ही लव्ड द रिवर गंगा एंड इंडिया वेरी मच, क्योंकि वे गंगा नदी और भारत को बहुत प्रेम करते थे। व्हाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA बिकॉज ही लव्ड द रिवर गंगा एंड इंडिया वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, कीजिया अपने पिता से भयभीत क्यों थी। कीजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव, क्योंकि वह उनसे कभी भी प्रेम से नहीं बोलते थे। व्हाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, कीजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। क्वेश्चन 19, इन व्हाट वेज डिड कीजियास ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, किस तरीकों से उस कीजिया की दादी माँ उसे अपने पिता को अच्छी तरह से जानने के लिए प्रोत्साहित करती थी। कीजियास ग्रैंड मदर एनकरेज्ड हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाय सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडेज। कीजिया की दादी माँ अपने पिता को अच्छी तरह से जानने के लिए उसे ड्राइंग रूम में उनसे बात करने के लिए भेजती थी। इन व्हाट वेज डिड कीजियास ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर, कीजियास ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाई सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडेज। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज कीजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स सिंपैथी, कीजिया को यह कब पता चला कि उसके पिता भी एक मानव हैं जिन्हें सहानुभूति की जरूरत है। कीजिया वाज अफ्रेड आफ्टर सीइंग ए नाइटमेयर, कीजिया एक स्वप्न देख करके भयभीत हो गई। सी फाउंड हर फादर नियर हर बेड, उसने अपने पिता को अपने बिस्तर के पास देखा। टेकिंग हर टू हर हिज आर्म्स, उसे अपने हाथों में लिया
एंड मेकिंग हर कंफर्टेबल प्रोसेस आश्वस्त करते हुए देखा। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स सिंपैथी। इसी बात से वह जान गई उसके पिता भी एक मानव है जिन्हें सिंपैथी की जरूरत है। हाउ डज कीजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स सिंपैथी। कीजिया वाज अफ्रेड आफ्टर सीइंग अ नाइटमेयर। शी फाउंड हर फादर नियर हर बेड टेकिंग हर टू हिज आर्म एंड मेकिंग हर कंफर्टेबल। दिस मेक्स हर अंडरस्टैंड हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स सिंपैथी। तो ये अभी पार्ट वन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर का। इसका पार्ट टू भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो यदि आपको पार्ट वन अच्छा लगा है और पार्ट टू को और देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रैकवार सर की क्लास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।